इंग्लिश जोन चैनल पे आप सभी एस्पिरेंट्स का मैं वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सेशन लेके आए हुए हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक पे होगा। आपको आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और आपको गैप को फिल करना होगा जो क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो सभी एग्जाम्स को जो कि अपकमिंग डेज में होने वाले हैं उनको माइंड में रखते हुए ये सेशन आपके लिए है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, और आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सभी का हमारा सीक्वेंस चलेगा, जो कि इंग्लिश ग्रामर के एक एक टॉपिक को पिक करते हुए हम एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर वन क्वेश्चन को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसमें फिल करना है सेंटेंस में। रेड कलर में आपका सेंटेंस है। नंबर वन है वी आर गोइंग, डैश है इंग्लैंड, टू इंग्लैंड, इनटू इंग्लैंड, एट, या यहाँ पे सेकंड थर्ड भी ऐड है, बट यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा ए हो आएगा, टू इंग्लैंड। तो यहाँ पे हम नंबर वन को टिक करेंगे, वी आर गोइंग टू इंग्लैंड। नंबर सेकंड क्वेश्चन है आई बॉट दिस पेन, डैश को आपको फिल करना है, रुपीज फाइव, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ। तो मैंने 5 रुपए में पेन खरीदी है, तो आपको यह 5 रुपए की पेन खरीदी है, तो इसमें कौन सा प्रेपोजिशन होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज। ओके, ऑप्शन सेकंड को हम टिक करेंगे। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर थ्री क्वेश्चन को देखते हैं, आई बियर नो मैलिस, डैश है यहाँ पे फिल करना है, एनीबॉडी, कौन सा प्रपोजिशन होगा ए बी सी डी में से, ऑन, अगेंस्ट, इन और ओवर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अगेंस्ट। आई बियर नो मैलिस, अगेंस्ट, मैं किसी के खिलाफ कोई कड़वाहट नहीं रखता हूँ, तो ये यहाँ पे अगेंस्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नंबर थ्री क्वेश्चन का। नंबर फोर क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डैश है राम एंड सुरेश, ये बहुत बारी आपने रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इजी है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे बिटवीन आंसर होगा। जल्दी से हम क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो करके ये सेशन को हम जल्दी से एंड करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ही मैनेज्ड टू डैश सेवरल टाइम्स बट वॉज फाइनली डैश बाय द पुलिस। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एब्सकॉन फ्रीड, या बी है डिसीव चीटेड, ऑप्शन सी चीट चेज्ड, या ऑप्शन डी है स्केप नैप्ड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी को हम करेंगे, ही मैनेज्ड टू स्केप, मीन्स वो बहुत बारी सेवरल टाइम्स बट वॉज फाइनली नैप्ड, ओके, बाय द पुलिस। उसने बहुत बारी बचने की कोशिश की, लेकिन अंततः या अंत में वो पकड़ा गया, नैब्ड मीन्स यहाँ पे होगा पकड़ा गया। तो यहाँ पे हम करेक्ट जो आंसर करेंगे वो हमारा ऑप्शन डी आएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके ग्रामर के रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं, ग्रामर से जो सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिक्स क्वेश्चन है, अ गुड जज नेवर ग्रुप्स, डैश है द कंक्लूजन, टू कंक्लूजन, एड कंक्लूजन, ऑन या फॉर। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो डी होगा, यहाँ पे फॉर कंक्लूजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फॉर ग्रुप, ग्रुप फॉर का मतलब होता है, तो यहाँ पे ये होता है कि किसी चीज को सोचना, किसी चीज के बारे में समझना, उस चीज को सोचना, ये होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंबर सेवन, द बुक कंसिस्ट 10 चैप्टर्स, कंसिस्ट इन, ऑफ या ऑफ विद। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, कंसिस्ट ऑफ मीन्स इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं, या ये बुक 10 चैप्टर्स में लिखी गई है। नंबर एट भी है, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, ये किस तरीके से, इसको भी गैप में फिल करना है, तो इसमें आपको बताना है कि किस कैसे किस नेम से जानी जाती है जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को प्रोड्यूस करती है, या ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, दैट इज ऑप्शन बी, कैलीग्राफी। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैलीग्राफी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर नाइन, मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय नेचर इज नोन एज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैलामिटी उसको बोलते हैं। नंबर वन, नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कैलामिटी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन, डैश है यहाँ पे एडवांसमेंट, तो इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, इमोशनल एडवांसमेंट, या वर्ल्डली एडवांसमेंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हमारा,
दे गेव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रादर देन स्पिरिचुअल. ओके, जो दैवी होता है स्पिरिचुअल या धार्मिक एडवांसमेंट की जगह पे उन्होंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो भौतिकी एडवांसमेंट पे दिया है, या भौतिकी चीजें पर, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उस पर ज्यादा बहुत ध्यान दिया है. नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन है, आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश है लेजर. ये तो यहाँ पे है बाय या विथ, इन, फॉर. एसोसिएटेड के साथ में हमेशा विद आता है, तो प्रेपोजिशन यहाँ पे हम विद को फिल करेंगे. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है नंबर 11 क्वेश्चन का. नंबर 12 की तरफ चलते हैं. ऑनर यहाँ पे डैश है, अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शन. तो ऑनर एंड प्लेजर, या है रेपुटेशन, शेम या प्रोग्रेस. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट की बात हो रही है कि आपकी ख्याति या आपका सम्मान या आपका की बदनामी आपके अपने एक्शन पे डिपेंड करता है, आपके अपने कार्यों पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नंबर 13 गेटिंग, एंड यहाँ पे है आपका डैश, वी ले वेस्ट आवर पावर्स. गेटिंग एंड क्राइंग, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग स्लीपिंग एंड गेटिंग ईटिंग. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर. तो ये है, ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे. नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है, जो फिल कैप को फिल करना है. यहाँ पे देयर इज बोथ स्कार्सिटी एंड डैश इन द मॉडर्न वर्ल्ड, डिफिसिट, अट्रैक्शन, प्लेंटी या टॉलरेशन. तो यहाँ पे है प्लेंटी, देयर इज स्कार्सिटी एंड प्लेंटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. मतलब बहुत, बोथ, बहुत सी चीजों की यहाँ पे कमी भी है और बहुत प्रचुरता भी है चीजों की इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ये बात है यहाँ पे. नंबर 15 वी हैव द क्वेश्चन, डायरेक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. आपको गैप को फिल करना है, जो ऑप्शन करेक्ट लगे उसको गैप में फिल करना है. इफ ही डैश है, आई शैल राइट टू हिम. इफ ही राइटिंग, ही राइट्स, ही रोट, ही राइट. तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि इफ यहाँ पे है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाएंगे, तो वर्ब के साथ में यस या यस लगता है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 16 क्वेश्चन है, द चाइल्ड वाज बोर्न, यहाँ पे स्पेलिंग है बी, बॉर्न है, बर्थ है, नन ऑफ द अबव, ब्लाइंड. तो यहाँ पे होगा द चाइल्ड वाज बॉर्न ब्लाइंड. ओके, मीन्स वो बच्चा जो था, जो बच्चा था वो जन्मजात अंधा था. तो यहाँ पे इसको हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव, आई विल इंट्रोड्यूस यू डैश माय बॉस दिस वीक, ऑन माय बॉस, टू माय बॉस, टू माय बॉस या फॉर माय बॉस. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. इंट्रोड्यूस के बाद यहाँ पे होगा टू प्रपोजिशन आता है, तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माय बॉस दिस वीक. नंबर 18 वी हैव द क्वेश्चन, इसको भी करेक्ट टेंस के साथ में फिल करना है. देखिए बहुत से तरीके होते हैं, कहीं प्रपोजिशन पूछा जाता है, कहीं कोई एक आपका सेंटेंस होता है वो पूछा है, कहीं हेल्पिंग वर्ब आपके गैप में पूछा जाता है, कहीं करेक्ट सेंटेंस को पूछा जा सकता है, आपको गैप को फिल करना होता है. तो यहाँ पे इस जो सेक्शन में आपको करेक्ट टेंस के साथ में इसको गैप को फिल करना है. 18 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश माई कार 3 वीक्स एगो. तो 3 वीक्स एगो की बात आ गई है यहाँ पे, तो वॉशिंग होगा, वॉश्ड होगा, विल वॉश या शाल वॉश. ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हम वॉश्ड लगाएंगे. ओके, आई वॉश्ड माय कार 3 वीक्स एगो. नंबर 19 वी हैव, जोनाथन इंसिस्टेड ऑन गो, गोइंग, गॉन, हैव गॉन आउट. तो यहाँ पे इंसिस्टेड ऑन के बाद में गोइंग आता है, जीरेंड आता है, जी ओ आई एन जी. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेक्ट है. नंबर 20 वी हैव द क्वेश्चन, ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम इन दिस क्लास. प्रिवेंट का होता है कि मना करना होता है, और इसके बाद में हमारा क्या आएगा, गो स्मोकिंग या टू स्मोक, हैव स्मोक्ड. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्मोकिंग. ओके, क्योंकि प्रिवेंट के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, प्रिवेंट के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आता है. कभी कभी ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पे आपका डैश दे देंगे, गैप दे देंगे कि ही वॉज प्रिवेंटेड, बताइए कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, स्मोकिंग इन द क्लास. तो वहां पे फ्रॉम प्रपोजिशन हमेशा आएगा, इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन प्रपोजिशन आएगा. ओके, नंबर 21 यू बेटर सीकिंग, सीक टू, सीक टू, हैव सॉट हिज परमिशन. कौन सा गैप इसको फिल करेगा, कौन सा सेंटेंस इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ही बेटर सीक हिज परमिशन. ओके, नेक्स्ट नंबर 22 ही वॉज सीन
एंटर, एंटर्ड, हैविंग एंटर्ड या एंटरिंग द हाउस. तो एंटर्ड होगा यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, एंटरिंग. एंटर होता है मतलब प्रवेश करना. ही वॉज सीन एंटरिंग द हाउस, इसलिए ऑप्शन डी को हम करेक्ट करेंगे. नंबर 23, वी हैव द क्वेश्चन. यहाँ पे डैश है, आगे सेंटेंस में है. टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट. तो टू बी हंट, हंटिंग, अ हंट ऑफ या हैविंग हंट. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हंटिंग टाइगर. यहाँ पे हम करेंगे हंटिंग टाइगर इज अ डेंजरस थिंग. नंबर 24, वी हैव ही बिहेव्स एज दो ही. डैश है यहाँ पे, अ थीप. He was a thief, he were, he did, he had. He behaves as he, as though he was, he were. यहाँ पे होगा ऑप्शन बी को हम करेक्ट करेंगे. इसमें प्रपोजिशन ये आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आपका होगा. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द केक वॉज डिवाइडेड हर एंड मी. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिटवीन होगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में डिवाइड करना है. दैट्स वाई ऑप्शन बी, डी इज द आंसर. नंबर 26, ही अराइव्ड डैश द स्टेशन इन टाइम एट 2:40. तो यहाँ पे आएगा ही अराइव्ड एट. ओके, नेक्स्ट नंबर प्रपोजिशन है जो यहाँ पे फिल करना है गैप को. हु केम डैश अकबर, अप अकबर, ऑन अकबर, बाय अकबर, आफ्टर अकबर. तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, हु केम आफ्टर अकबर. अकबर के बाद कौन आया. नेक्स्ट वन वी हैव 28. द प्लान की बात हो रही है यहाँ पे, जो एक योजना होती है उसके बारे में बात हो रही है. द प्लान फेल डैश फॉर लैक ऑफ फंड्स. फेल, फेल ऑफ या फेल ऑफ, फेल थ्रू इन. तो यहाँ पे ऑफ होगा, मीन्स नकार दिया गया प्लान, योजना को नकारा गया, क्योंकि लैक ऑफ फंड्स मीन्स पैसे की कमी की वजह से उसको नकार दिया गया और उसको एक तरीके से उसको नहीं सुना गया या उसके बारे में नहीं बात हो पाई या वो योजना को नहीं एक्सेप्ट किया गया. नंबर 29 क्वेश्चन, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स. फॉर ट्रबल मेकर्स, अबाउट ट्रबल मेकर्स, अगेंस्ट ट्रबल मेकर्स या टू ट्रबल मेकर्स. तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल to the troublemakers is the correct preposition to be filled in this. तो ये question है number 30 question. यहाँ पे ये यहाँ ना होकर के यहाँ पे होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा. I am angry with him at his carelessness, in his carelessness, for his carelessness या of his carelessness. तो यहाँ पे जो correct answer आएगा वो हमारा होगा, यहाँ पे एड ना हो करके, ये ए ना हो करके, ये हमारा सी आएगा, फॉर हिज केयरलेसनेस. ओके, आई एम एंग्री विद हिम फॉर हिज केयरलेसनेस, मीन्स उसकी जो लापरवाही है उसकी वजह से मैं उससे नाराज हूँ या मैं उससे गुस्सा हूँ. ये यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन जो फिल करेगा वो होगा फॉर प्रपोजिशन. नेक्स्ट नंबर 31 वी हैव, कीप क्लियर डैश विकेड बॉयज. ऑफ विकेड बॉयज, फ्रॉम विकेड बॉयज, एड या आफ्टर. तो ऑप्शन होगा Keep clear of wicked boys. Okay, number A जो होगा 31 का वो correct preposition यहाँ पे fill होगा. 32 की बात करते हैं, Hema has no control his temper. Dash को fill करना है यहाँ पे, in his temper, over his temper, at his temper या after his temper. तो ये है option B correct होगा, has over his, यहाँ पे correct होएगा जो preposition, over would be the answer. ऑप्शन बी को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ओवर. ओके, हेमा हैज नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, उसके जो टेम्पर है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है. 33 वी हैव, ही फील्डेड द बॉल एंड थ्रू इट बट इट मिस्ड द विकेट. डैश यहाँ पे फिल करना, बाय अ लॉन्ग चॉक, बाय अ डिस्टेंस, बाय ड्रॉ अ ब्लैंक या बाय द वी. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाय अ डिस्टेंस, मतलब उसने बॉल को फील्ड किया और उसको फेंका, बट इट मिस्ड द विकेट बाई अ डिस्टेंस. काफी दूरी से इसने, थोड़ी दूरी से उसने उस विकेट को मिस किया, उस बॉल ने जो उसने कलेक्ट करा था. तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 34, देयर डैश थ्री गिफ्ट्स इन द कार, देयर वॉज इज आर हैव. तो यहाँ पे करेक्ट होगा, देयर आर थ्री गिफ्ट्स इन द कार. नंबर 35 वी हैव, ही इज जूनियर. बहुत बारी ये
क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने, तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे. ही इज जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, इंफीरियर होगा, आई और जहां पे होगा वहां पे टू प्रेपोजिशन लगेगा. नेक्स्ट नंबर 35 के बाद 36, अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज इज आर वर नेसेसरी फॉर द क्राफ्ट वर्क. तो पेयर ऑफ सीजर्स का बात हो रही है, तो इज यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पेयर की बात हो रही है, अ पेयर ऑफ सीजर्स. ओके, तो दैट्स वाई ये हमारा सिंगुलर नंबर में आएगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर नंबर में होगा. नंबर 37 वी हैव डैश, द शावर वॉज ओवर, द सन शोन आउट अगेन, अनलेस द शावर वॉज ओवर, या होगा विद शावर वॉज ओवर, आफ्टर शावर वॉज ओवर, या इफ शावर वॉज ओवर. तो यहाँ पे नंबर सी करेक्ट होगा हमारा, आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन. नंबर 38 वी हैव दे आर स्टिल वर्किंग, दे हैवंट, हैडंट, हैजंट, या डिडंट फिनिश्ड. तो यहाँ पे करेक्ट होगा दे आर स्टिल वर्किंग एंड दैट्स व्हाई दे हैवंट फिनिश्ड. ठीक है, क्योंकि अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया है काम, इसलिए वो अभी तक काम कर रहे हैं. यहाँ पे हैवंट होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर यहाँ पे हमारा आ रहा है. नंबर 39 की तरफ चलते हैं, ही नोज हाउ टू प्ले इन टू ऑन, अप, या ओवर वर्ड्स. तो यहाँ पे होगा ऑन प्रपोजिशन करेक्ट होगा. ही नोज हाउ टू प्ले ऑन वर्ड्स मीन्स शब्दों से कैसे खेलना है उसको पता है, मीन्स बहुत ही विटी है वो बात करने में, उसको शब्द यूज करने में, अपनी बातों को से किसी को एक तरीके से अट्रैक्ट करने में, ही इज टैलेंटेड इन दैट. तो यहाँ पे होगा प्ले ऑन वर्ड्स. ओके, नंबर 40 वी हैव आई डैश दिस पेन यस्टरडे. तो यहाँ पे बताना है आई हैव बॉट दिस पेन, बॉट बाय, अशाल बाय. तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में है, यस्टरडे लगा हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाय का सेकेंड फॉर्म बॉट. अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. 41, लेस देन अ मिनट अगो ही हैज गॉन, ही लेफ्ट, ही लीव्स, ही विल गो. लेस देन अ मिनट, ही मिनट अगो ही लेफ्ट. ओके, वो जा चुका था लेस देन मिनट अगो, एक मिनट से पहले ही वो जा चुका था. नंबर 42, व्हेन आई केम इन ही जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ही हैड फिनिश्ड, ही हैज, ही डिड, ही कुड. कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पास्ट में टेंस है, तो यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे, ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ही थॉट दैट इट विल रेन, शाल रेन, वुड रेन, हैड रेन. ही थॉट एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पास्ट में ही करेंगे, ही इट वुड रेन. ओके, अगला क्वेश्चन है 44, ही आज वॉट हर नेम इज, एम, वॉज, वर. तो यहाँ पे होगा ही आज वॉट हर नेम वॉज. ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे. नंबर 45 क्वेश्चन है, इफ इट रेन्स आई शाल स्टे, आई स्टे, आई शुड स्टे, आई एम स्टे. तो यहाँ पे होगा इफ इट रेन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आई शाल स्टे. ओके, मैं रुकूंगा. अगला क्वेश्चन है 45 का, ऑप्शन ए करेक्ट है, आई शाल स्टे. 46 वी हैव, इफ आई वॉज हिम आई डैश टू हिम, आई शुड स्पीक, आई स्पोक, आई डिड स्पीक, या आई हैड स्पोकन. इफ आई सा हिम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अगर मैं उसको देखूंगा तो मैं उससे जरूर बोलूंगा. तो यहाँ पे शाल क्योंकि नहीं होगा, इफ की बात हो गई है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे हम जो आगे फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है. इफ आई सा हिम, आई शुड स्पीक टू हिम. ठीक है, मुझे उससे बोलना चाहिए. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा 47, इफ यू फेल इनटू अ रिवर यू वुड बी ड्राउंड, ऑट बी ड्राउंड, मस्ट बी ड्राउंड, मस्ट ड्राउंड, या नीड नॉट ड्राउंड. तो यहाँ पे होगा इफ यू फेल इनटू अ रिवर यू वुड बी ड्राउंड. ओके, जैसे यहाँ पे इट वुड भी है, दैट्स वाई यहाँ पे आई शाल, आई शुड स्पीक भी है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नंबर 48 वी हैव, ही डैश कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम, ही कैन हैव कम, ही वुड हैव कम, ही शैल हैव कम, ही मे हैव कम. तो ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा, ही वुड हैव कम इफ यू हैड कॉल्ड हिम. ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, वुड के बाद यहाँ पे हैव लगेगा. ओके,
48 के बाद 49 है. आई सॉ हिम डैश इन द गार्डन, वॉक इन द गार्डन, वुड वॉक इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन या वॉकड इन द गार्डन. आई सॉ हिम वॉकिंग इन द गार्डन इज वुड बी द आंसर. तो यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ ऑप्शंस देखकर भी आंसर का पता चल जाता है. एंड इसी सीक्वेंस में हमारा ये है, आई सॉ हिम वॉकिंग इन द गार्डन, मतलब मैंने उनको गार्डन में टहलते हुए देखा. 49 के बाद 50 क्वेश्चन है, आई हर्ड हिम टू सिंग, सिंगिंग, सैंग या विल सिंग. आई हर्ड हिम सिंगिंग, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से मेंशन कर दे रही हूँ. I heard him singing. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस क्लास का, जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है. आगे हम फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एंड साथ ही साथ प्रपोजिशन एंड अदर वोकैब के बारे में बात करेंगे अपने सीरीज में, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को पिक करेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस.